अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो व्यूअर्स कैसे हैं आप सब? अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब खैरियत और आफियत से होंगे और अल्लाह ताला हमेशा अपनी हिफ्स व अमान में रखे, खैरियत से रखे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पकोड़े और पकोड़ों के साथ मज़ेदार चटपटी चटनी। तो उसके लिए हमने बनाया है सिंपल जो पकौड़ों का मसाला होता है, हमने पहले भी बनाया था। उसके अंदर पकोड़ों को क्रिस्पी करने के लिए आपके लिए एक टिप एंड ट्रिक, वो ये है कि 2 चम्मच आप इसके अंदर दही के डाल दें, ठीक है। ये 2 चम्मच हमने डाल दिए और उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर देखिए कि आपके पकोड़े किस तरीके से लजीज, शानदार और बनते हैं मज़ेदार और क्रिस्पी, ठीक है। और अब हम रख लेते हैं अपनी कढ़ाई जो है अपने चूल्हे के ऊपर और शुरू करते हैं अपने पकोड़े बनाना। तो ये देखिए, अब हम डाल रहे हैं अपनी कढ़ाई के अंदर अपने पकोड़े और ये हम डाल लेते हैं सारे पकोड़े कढ़ाई के अंदर। और ये देखिए, ये देखिए जितने आएंगे हम इसके अंदर अपनी कढ़ाई के अंदर वो डाल देंगे, ठीक है। तो ये देखिए इतने आ चुके हैं और हमने डाल दिए हैं और देखिए फिर हम अब इनको फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। तो चलिए जी देखिए, हम बनाने वाले हैं चटनी और ये हमने डाल दिए पहले अपने उसके अंदर बादाम, ठीक है। और फिर हमने इसके अंदर डाली अपनी हरी मिर्च और जो है, और ये डाल रहे हैं हम अपना घर वाला ताज़ा पुदीना जो कि अभी हमने तोड़ा है। और ये देखिए, तो ये देखिए हमारा पुदीना और हमारे बादाम जो है, और हमने इसके अंदर डाला है नमक, तो उसको हम कूट रहे हैं अच्छे से। बस आपने इसको कूटना है और कूटते ही जाना है। जितनी ये अच्छी कूटी जाएगी उतना ही अच्छा इसका जो है ना वो टेस्ट आएगा। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी देसी जो है वो कूटने वाला, और फिर माशाल्लाह से इसके अंदर इसी तरीके से जो है मज़ेदार वो बनने भी वाली है चटनी। और ये देखिए, अब हम डालने जा रहे हैं इसके अंदर दही और बस हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये देखिए जी, शानदार कितना खूबसूरत माशाल्लाह से कलर आया है जो हमारा घर का ताज़ा ताज़ा पुदीना है, ये उसकी करामात है माशाल्लाह। देखिए और कितने खूबसूरत जो है ना वो हमारी जो चटनी है वो तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब पकोड़े बना लेते हैं और बनाकर फिर हम इनको जो है ना साथ में नोश फरमाते हैं। तो ये देखिए, अब माशाल्लाह से हमारे पकोड़े जो हैं वो मज़ेदार से तैयार हो चुके हैं और ये साथ में हमारी चटनी और ये हमारी देसी आटे की देसी रोटी तंदूर की बनी हुई, ये देखिए माशाल्लाह से अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, उसकी बरकतें, उसका करम, उसका एहसान। एंड नेक्स्ट मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम।